फुल टू ट्रैकिंग वीडियो है, बहुत ज़्यादा एडवेंचर वीडियो है, वीडियो बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो एंजॉय करते रहो, तब तक मिलते। सो व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बस्तर आईडियल क्रिएशन। आई होप गाइस एब्सोल्युटली फाइन। तो दोस्तों आज हम जाने वाले डोलकल और मेरे साथ है तीन दोस्त, कुछ सीखते हैं भाई। राजेश भाई है, सोमेश भाई है और वीडियो बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, एकदम धमाकेदार जंगल में मंगल वाला वीडियो है। सो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं डोलकल के पहाड़ी के पास, जो लास्ट स्टेज है वहाँ पे गाड़ी उड़ी रख लिए हैं, देख सकते हो। और गाड़ी देव भाई का कार, न्यू कार फ्रॉम यूट्यूब मनी। और उधर बाइक है और उधर अपना बाइक है। तो हम लोग मतलब गाड़ी उड़ी यहीं पे रख लिए हैं सब लोग। तो हम लोग देखो कुछ आसपास का जो एरिया है दोस्तों, आसपास का ये पास है, देख सकते हो टैंकी है। तो हम लोग लगभग 25 मिनट का सफ़र करने के बाद टिकट वट कटा के आए, तो अपन लोग ये पास, यहाँ से हम लोग का असली ट्रैकिंग शुरू होगा। तो एंजॉय करते रहो, वीडियो बहुत ज़्यादा मस्त होने वाला है। तो चलो फिर, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पुराने वीडियो को लाइक कर देना, एक दोस्त को शेयर कर देना और डोलकल का पहाड़ियों को दिखा देना। सबसे पहले इस तरीके का नदी तो नहीं बोल सकते। तो भाई लोग पसीना पसीने हो गए, अपन लोग आ रहे ले, चढ़ रहे ले। और अरे भाई मैं तो नहीं ना आ रहा ना, मैं सुबह सुबह ना लिया था भाई, इन लोग तो पूरा कपड़ा उतरवा दे रहे हैं। हाँ यार क्या करें, बहुत ज्यादा पसीना भाई। सुबह से हमारे आते टाइम व्हाइट वाली क्रॉस करी थी बिल्ली, इसलिए काले हो गए, वरना काली वाली काटती है तो पूरा व्हाइट होके आते हैं। इसी बात पे भाई लोग इस जगह को, काफी लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं अफवाह फैला कि इस जगह को काफी ज्यादा मतलब वो अफवाह करके बर्बाद कर रहे हैं दंतेवाड़ा बस्तर को। इस जगह पे नक्सलाइट होते हैं, ऐसा खतरा है, डेंजर जोन है, ऐसा बदनाम कर रहे हैं बस्तर और दंतेवाड़ा के, सब बदनाम कर रहे हैं। ये गलत वाली बात है भाई, सब लोग सुनो। यहाँ जो जो जगह पे टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे दंतेवाड़ा और बस्तर में हो गया, चित्रकूट, बहुत सारे जलप्रपात है, तीरथगढ़ वगैरह, इस जगह पे जहाँ जहाँ पे भी आप जाओगे, डोलकल हो गया, इस जगह पे बहुत ज्यादा ट्रैकिंग की जगह है, बट जंगल के अंदर, इसलिए डरते हैं। यहाँ पे ना ही कोई खतरा है, पूरा फुल्ली सेफ है, लगा इस जगह पे आप आ जाओ और इन्जॉय करो, बस यही है। आप लोग को कोई नहीं बताएगा सब रियल सच्चाई। अगर इसी बात पे लाइक करो और साथ ही साथ चैनल में सब्सक्राइब करो चैनल को। यार क्या देख रहे हो, पूरा 1 मिलियन वन ईयर के अंदर कर दो, और साथ ही साथ मेरे चैनल में भी कुछ सीखते हुए विजिट करो जल्दी। तो दोस्तों हम लोग चलते जा रहे हैं, अभी तक मंजिल नज़र नहीं आया है, हम लोग थक चुके हैं, लगभग सेकंड टाइम जो है यहाँ पे विश्राम कर रहे हैं, यानी कि रेस्ट कर रहे हैं। अभी बहुत ही ज़्यादा आनंदमय रास्ता होने वाला है, पसीना से भीग गए हैं, बहुत स्वेट आ रहा है बाहर से, और जैकेट उतार दिए हैं, अब पता नहीं और क्या क्या उतरेगा जाते जाते। तो वीडियो मस्त लग रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये डोलकल का मेरा पहला वीडियो है, पास का ही हूँ लेकिन आया नहीं था। तो भाई लोग जगदलपुर से आए थे, तो रिक्वेस्ट करने की वजह से आया हूँ। तो भाई लोग के चैनल पे भी जाके एक बार चेकआउट जरूर करना, बस्तरिया भाई लोग सपोर्ट यार, सपोर्ट अपन को, बस्तर को भी ऊंची आसमान उड़ाकर ऊपर ले जाना है, क्योंकि बस्तर को बहुत ज़्यादा बदनाम किया ना, अभी पॉजिटिव लाना है, युग बदलेगा बोलते, काय का युग बदनाम कर रखे, अभी बदलेंगे पहले देश बदल ली, जुग बदल ली, याद है ना। तो बस्तर भी बहुत ज़्यादा आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है, काफ़ी बाहर से टूरिस्ट लोग भी आके एक्सप्लोर करते जा रहे हैं जगह को, क्यों ना हम भी थोड़ा कोशिश करते हैं, इतना है तो थोड़ा सा हेल्प करके इतना बढ़ा दें। देश बदल ली, जुग बदल ली, चतुरोत राय, पड़ो खुली खुली जान तबीता, पड़ो खुली। क्या समझे डोलकल का मतलब? डोलकल का मतलब ये सोचे कि आज निकले हैं तो कल पहुंचेंगे, ढोल बजाते बजाते चल रहे चलो रे, ढोल बजाते बजाते चलो रे। बहुत देर चल रहे थे तो अंत में एक जगह पानी मिला, तो पानी दिखाता हूँ, देख सकते हैं मिनरल वाटर। इधर पानी आ रहा था तो हम लोगों ने मुंह थोड़ा सा धो लिया, क्योंकि एनर्जी थोड़ा बूस्ट हुआ, ठंडा पानी था, थोड़ा ठीक लगा और थोड़ा बोलने के लिए भी हिम्मत मिल रहा है, तो बहुत ठंडा था और अच्छा लग रहा थोड़ा। बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है फ्रेंड्स, अपने आप को खो बैठोगे, बहुत ज़्यादा धीरे धीरे ही आना पड़ता है।
देख रहे हैं दोस्तों, खड़ा हूँ कुछ इस तरीके से और इधर से जाना पड़ेगा आपको, इधर से इधर से। तो आप लोग को विशेष ध्यान देना होगा सेफ्टी का, अन्यथा कुछ भी हो सकता है। और मैं मारा हूँ जूता, पता नहीं जूता के साथ जा पाऊंगा कि नहीं। फाइनली हम लोग मंदिर के पास पहुंच चुके हैं और इधर भैया लोग चढ़ रहे हैं, देख सकते हो बहुत ही एडवेंचर भरा हुआ है और बहुत रिस्क भी है। तो चढ़ते रहो, देखते रहो। फाइनली टॉप लेवल में पहुंच गए हैं, जहाँ बहुत सुंदर दृश्य यानी कि खो जाने का मन करेगा। वो देख रहे हो, वो पास है गणेश भगवान जिसे हम देखेंगे। तो आपको उधर से दिखाता हूँ। देख सकते हो उधर है गणेश जी और इधर देख सकते हो क्या बहुत ही बेहतरीन नजारा। देख सकते हैं इधर से पूजा पाठ करके जो है चढ़ रहे हैं। तो बहुत ही एडवेंचर वाला है और बहुत ज्यादा रिस्क है और आपको सेफ्टी का बराबर ध्यान रखना पड़ेगा। देखो सब श्रद्धालु बोल सकते हैं, सब लोग जो है आए हैं ढोलकल गणेश को देखने के लिए। आंटी लोग भी आए, मतलब सब आ सकते हैं, सब विजिट कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर प्लेस है। सो दोस्तों फाइनली हम लोग जो है नीचे उतर रहे हैं, देखते हैं उतर पाते हैं कि नहीं। आप लोग उतरने से पहले सेफ्टी का विशेष ध्यान रखेंगे, मैं भी रखने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड यूर फैमिली इज वेटिंग फॉर यूर होम, सो कीप इट इट माइंड। तो दोस्तों मैंने जितना भी हुआ यहाँ का सीन मैंने आपको दिखा दिया है। तो दोस्तों गणेश जी का जो मूर्ति है 3000 फीट ऊंचा है और इस जगह पे आपको आना है तो थोड़ा सावधानी का ध्यान रखना पड़ेगा। इसका ऊंचाई की बात करें तो दोस्तों 3 फीट है और चौड़ाई की बात करें तो 3.5 फीट है और लगभग 5 किलोमीटर का ट्रेकिंग करके आना पड़ेगा। तो दोस्तों इस जगह की खोज एक इंग्लिश जियोलॉजिस्ट क्रुकशैंक ने 1934 में खोज की थी। तब तक ज़्यादा लोग तक पहुँचा नहीं था, कोई जानता नहीं था। हाल ही में 2012 में एक जर्नलिस्ट ने उस मूर्ति मतलब गणेश ढोलकल की जर्नलिस्ट ने अपना रेगुलर ट्रैकिंग में उस जगह की खोज की, जिनका नाम था हेमंत कश्यप और पप्पी राव। उन्हीं के द्वारा फोटो बाहर आए, ज़्यादा लोग तक पहुंचा और वीडियो वायरल हुआ, तभी लोग जानने लगे, तब यहाँ पे आने लगे। तो दोस्तों इस पर एक पौराणिक मान्यता भी है कि दोस्तों परशुराम जो है वो विष्णु के अवतार थे और भगवान शिव के वरदान से एक बड़ा युद्ध जीत के आ चुके थे, जिनका शुक्रिया अदा करने के लिए दोस्तों वो पर्वत में जाते हैं भगवान शंकर से मिलने। उस दौरान दोस्तों गणेश भगवान जो है पहरेदारी कर रहे होते हैं, तो परशुराम जी जिद करते हैं कि मुझे शंकर जी से मिलना है। तो परशुराम गणेश जी है जी उनको मिलने नहीं देते हैं। तो परशुराम दोस्तों जिद करते हैं कि नहीं मुझे मिलना ही है। तो इसमें क्या हो जाता है दोस्तों, दोनों में लड़ाई हो जाती है और भगवान गणेश जो है परशुराम को अपने सूंड पे लपेट कर तीनों लोगों का
दर्शन कराते हुए जमीन पे लाके जोर से धड़ाम से पटक देता है। तो पटकने के बाद दोस्तों परशुराम जी बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें ओस आता है तो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित होने के बाद दोस्तों उन्हें इतना गुस्सा आता है कि अपने शस्त्र से परसा से गणेश जी पर वार करते हैं। तो गणेश जी पर वार करने पर उनका दांत खंडित हो जाता है और उनका दांत गिर जाता है। तो दोस्तों आपने वो एक दंत दयावंत वाली जो सुने होंगे आरती वही वाली है, यहीं पे जो है अपने दंत मतलब गणेश जी की जो दांत टूटी थी। और भगवान परशुराम का जो परसा है इसी पहाड़ में कहा जाता है गिरा था, और तब से कहा जाता है कि ये पहाड़ जो है लोहे का है। पहाड़ के शिखर के नीचे का जो एरिया है उसे परसपाल के नाम से जाना जाता है। और हम सब बस्तर के लोग यानी कि आसपास के लोग ढोलकल गणेश को यहाँ के रक्षक मानते हैं। तो लोग दूर दूर से देखने आते हैं। आई होप अगर देख रहे हैं तो आप एक बार यहाँ पे आइए, बहुत ही अच्छा जगह है देखने के लिए और बहुत ही शानदार है। आप लोगों ने देखा तो होगा जो लोग बस्तर को बदनाम करते हैं भाई नक्सली के हिसाब से, तो आप लोग एक बार एक विजिट करके देखो, बहुत ही शानदार प्लेस है, मन मोह लेगी। और ऐसा एरिया आप लोग विदेशों में भी नहीं देखे होंगे जिस तरीके से यहाँ पे खूबसूरती बयां करती है, आप लोग को मन मोहित करती है, दिल में घुस के माइंड में छप जाएगी, आपको कभी भूल नहीं पाओगे। एक बार विजिट जरूर करना, बहुत ही शानदार है। आपका जो रोड है वहाँ पे परचूर्ची कटा लेना, वहाँ का जो रास्ता यहाँ तक का फुल्ली एडवेंचर है, आपको बहुत मज़ा आएगा। थोड़ा सा डिहाइड्रेशन हो सकता है लेकिन थकान आने के बाद पूरा मिट जाएगा, मतलब आप एकदम फुल्ली। मैं भी जब आने से पहले बोल नहीं पा रहा था लेकिन अभी भगवान गणेश की कृपा से मेरे में इतना एनर्जी बूस्ट हो गई कि आपको मैं बता रहा हूँ। तो आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, नए हो तो चैनल को बस्तर क्रिएशन चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नए हो तो वीडियो को भी लाइक कर देना, एक दोस्त को गणपति पप्पा के नाम से शेयर कर देना। आपका दिन शुभ हो। नया साल के समय मैंने इस चीज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी, तो यही था यहाँ की स्टोरी। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर देना। ये जो गणेश जी की मूर्ति थी 9वीं शताब्दी में नागवंशी राजाओं ने जो है बनाया था, और पेट पर जो है नाग का चिन्ह है, मैंने सिनेमेटिक में दिखा दिया, अगर आप गौर किए तो ठीक है। तो नागवंशी राजाओं ने 9वां शताब्दी में जो है इसे बनाया, इस घटना को प्रचलित करने के लिए, है ना। तो आपको यहाँ पे आने के बाद खुशी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, आपका जितना भी थकान होगा ना वो मिनटों में मिट जाएगा। मैंने जैसे कि आपको बताया था 9वीं शताब्दी में बना था, तो ये देख सकते हैं नागवंशी राजाओं ने जो है ना पेट पर अंकित किया, देख सकते हो ये नाग है, देख सकते अगर हाथ से दिखाऊं तो। सो दोस्तों फाइनली हम लोग वीडियो समाप्त की और जा रहे हैं, तो मेरे दोस्त लोग से पूछता हूँ कि ढोलकल गणेश में आके इनका एक्सपीरियंस कैसा था। तो सबसे पहले समझ भाई कैसा लगा यहाँ पे आने के बाद, आपको किस तरह से महसूस हुआ? महसूस किया मैं तो मेरा सपना पूरा हो गया, क्योंकि मैं बहुत पहले सोचता था कि पहाड़ के ऊपर चढ़ा जाए, ट्रेकिंग किया जाए, आज पूरा हुआ है। जो लोग पहाड़ चढ़ने के शौकीन है दोस्तों उन लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार, इससे शानदार जगह तो हो ही नहीं सकता। तो फाइनली हम दोस्तों राजेश भाई से पूछते हैं कि ये पहली बार विजिट कर चुके हैं यहाँ पे, तो उनका एक्सपीरियंस कैसा है? तो प्लीज़ राजेश भाई कुछ बताइए कैसा लगा यहाँ पे आके? सुपर माइंड ब्लोइंग अनबिलीवेबल फ्रेंड्स, यहाँ पे जब भी विजिट करें यहाँ पे टूरिस्ट लोगों की कमी नहीं होती, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ चल रही है यहाँ पे। और यहाँ पे बस्तर और दंतेवाड़ा को ज़्यादातर बदनाम करते हैं कि यहाँ पे नक्सलवादी क्षेत्र है, ऐसा कुछ भी नहीं है, नोने वाला सा कुछ चीज ही नहीं है, भूल जाओ इस चीज़ को। तो वीडियो को साथ साथ लाइक कीजिए और एंड के साथ ही और भाई सपोर्ट कीजिए, इनको भी सपोर्ट कीजिए, मुझे भी सपोर्ट कीजिए, सबका चैनल कुछ सीखते हैं, सोमेश सिंह ठाकुर और बस्तर आइडिया क्रिएशन। सो आई होप गाइस यू वीडियो रियली लाइक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड एक दोस्त को शेयर कर देना। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, धूम मचाते रहो। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई अमेजिंग धासु वीडियो में एक नए प्लेस में, तब तक जय हिंद, लव यू।